कांग्रेस के सीनियर लीडर महाबल मिश्रा का एक ऑडियो टेप वायरल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि महाबल फोन पर खुलकर राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं। महाबल कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, उनका अच्छा खासा सम्मान भी है, लेकिन एमसीडी चुनावों में टिकटों की गहमा गहमी ऐसी है कि उन्होंने नाराजगी में अपने ही उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गाली दे डाली। आप खुद सुनिए कि महाबल मिश्रा ने क्या कहा। हाँ महाबल सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। सर बस आशीर्वाद के लिए फोन कर रहा था सर, एक मौका दे दो। माफी चाहूंगा, वहाँ तो सुशील पहलवान सर और मैं ब्रह्म प्रकाश क्या कहूँ, सुशील पहलवान जाके राहुल गांधी से बात करके और जो मैं चुनाव प्रचार करूंगा दिल्ली में, हाँ जी मुझे एक टिकट दे दो। हाँ जी, और वो टिकट सुरेश पहलवान के लिए मांगा। हाँ जी, अब राहुल गांधी के आगे कौन बोलेगा ये क्या है नहीं है। हाँ जी सर, ये अब मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो शर्मिंदा हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुरेश पहलवान अब राहुल गांधी जी ही जिता देगा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर, छह प्रभु की होगी वही होगी, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बाकी आपके लिए जीवन भर मैं आपके साथ। अब सुरेश पहलवान को आप एक बार बताइए। हेलो। हाँ सर जी, अब सुरेश पहलवान को राहुल गांधी से सुशील पहलवान ही लाके कर देंगे। हाँ जी, ये तो अब राहुल गांधी ही जिता देंगे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक बात है, हम बताइए ये सुशील पहलवान को क्या सुझा जी। बस सर क्या कह सकते हैं, ये इसका बेटा उसकी गाड़ी चलाता है। अब सुशील पहलवान प्रचार करेगा और जीत पाएगा। हाँ जी, अब यही है, हम तो बैकग्राउंड भी नहीं देखा जी, क्या बैकग्राउंड का आदमी है बता दीजिए मैं क्या कहूँ। तो सर क्या कह सकते हैं, वो कुछ कह नहीं सकते, इसके आगे कोई शब्द ही नहीं। सॉरी मैं क्या माफी चाहूंगा, मैं क्या कहूँ बार प्रकाश, मैं क्या कहूँ, माफी। राहुल गांधी क्या समझ नहीं आता, ये राहुल गांधी क्या है, जीरो कर दिया कांग्रेस का, फिर भी यही हालत हो गया। बिल्कुल जीरो कर दिया सर। चलो सर अपना दिल दुखी ना करें, हमारे कर्म की बात है कुछ। बीजेपी ने इसी ऑडियो क्लिप के हवाले से आरोप लगाया है कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर गहरा मतभेद चल रहा है। इस ऑडियो क्लिप में महाबल मिश्रा ने राहुल गांधी को चुनावी हार के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। ये पूरी बातचीत महाबल मिश्रा और किसी ब्रह्म प्रकाश नाम के शख्स के बीच हुई है। जाहिर है कि अगर ये क्लिप सही है तो फिर अंदाजा लगाइए कि एमसीडी चुनाव में टिकटों को लेकर मारामारी कितनी तेज है। अब हालत ये हो चली है कि पार्टी के सीनियर नेता अपने ही शीर्ष नेताओं को फ्रस्ट्रेशन में गाली देने लगे हैं। वैसे महाबल मिश्रा का इस क्लिप पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इंडिया न्यूज़ वायरल इस क्लिप के असली होने की पुष्टि भी नहीं करता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।